नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा, पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा में प्रकाश साइंस, श्रुति आर्ट्स व मेघा ने कॉमर्स में किया टॉप, 76.07% रहा परिणाम। जिला कांगड़ा में भवारना सब तहसील का नायब तहसीलदार विजिलेंस ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी विश्वविद्यालयों को कोरोना के चलते इस साल फीस न बढ़ाने के दिए निर्देश। हिमकोस्ट ने 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर विद्यार्थियों से राइटअप और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन मांगे। अंकुश ठाकुर की शहादत का बदला लेने के लिए उसका छोटा भाई आदित्य सेना में भर्ती होकर पुश्तैनी परंपरा को रखेगा जारी। शहीद अंकुश ठाकुर के घर सांत्वना जताने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कांग्रेस कमेटी के फंड से स्मारक बनाने का किया वादा। वनों में आग की निगरानी करेंगे ड्रोन कैमरा, आधुनिक तरीकों से बुझाई जाएगी आग। किन्नौर में बड़ा हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, मौके पर तीन की गई जान। शिमला में सुपरिटेंडेंट ने स्कूल ऑफिस में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। सरकाघाट अग्निकांड में महिला के पिता ने लगाए साजिश के आरोप, पुलिस को दी शिकायत में जांच की मांग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार रिजल्ट 76.07% रहा है। शिमला जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर बुशहर की श्रुति कश्यप ने 98.2% अंकों के साथ कला संकाय में पहला स्थान पाया। विज्ञान संकाय में कुल्लू के प्रकाश कुमार ने 99.4% के साथ टॉप किया है, जबकि 97.6% अंकों के साथ मेघा गुप्ता ने वाणिज्य संकाय में टॉप किया है। कला संकाय में 26 छात्र, वाणिज्य में 23 तथा विज्ञान संकाय में 34 छात्र मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। मेरिट लिस्ट में कुल 83 में से 65 छात्राएं व 18 छात्र हैं। इस बार मेरिट लिस्ट में सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा है। सरकारी स्कूल के 46 छात्र व 37 निजी स्कूलों के छात्रों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। जमा दो कक्षा की परीक्षा में 86,633 छात्र बैठे थे, इनमें से 65,654 पास हुए हैं। जिला कांगड़ा के भवारना सब तहसील के नायब तहसीलदार को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार ने ये रिश्वत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाने की एवज में मांगी थी। स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नायब तहसीलदार को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। रिश्वत का ये विजिलेंस थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हल्दरा में रहने वाले संजय गुलेरिया एक अन्य व्यक्ति पंकज के साथ सब तहसील कार्यालय गए थे। संजय को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना था, जबकि पंकज को अपने पिता का नाम सही करवाना था। इस दौरान नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार ने दोनों से 1,000 रुपए लिए। इसके बाद दोनों से ही 2,500 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। इन पैसों के लेन देन के लिए दोनों को आज गुरुवार को कार्यालय बुलाया गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसपी विजिलेंस धर्मशाला अरुण कुमार ने मामले की पुष्टि की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों को कोरोना महामारी के दौरान प्रवेश व अन्य फीस वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े। राज्यपाल ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी तथा अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों को पत्र लिखकर विभिन्न विषयों को उठाकर उन पर 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, परंतु गुणवत्ता के स्तर पर अभी भी कार्य किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बजाय अधिकांश मरीज जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए आते हैं। उन्होंने अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मंडी को निर्देश दिए कि वह इस मामले में पुनर्गठन संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 जून को वार्षिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण सुबह 10:23 पर आरंभ होगा तथा अधिकतम 12:03 पर होगा और दोपहर 1:48 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर के आसपास 95% होगा। हिमाचल प्रदेश में 25 साल बाद ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकोस्ट एल्जरली बिल्डिंग सचिवालय शिमला की पार्किंग के पास और पदम देव कॉम्प्लेक्स रिज शिमला में सीमित दर्शकों के लिए सूर्य ग्रहण देखने की व्यवस्था कर रहा है।
हिमकोस्ट मेघ गोली घटना को देखने के अपने अनुभवों पर इस घटना के साक्षी बने विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों से राइटअप पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन लेने का निर्णय लिया है। 3 पेजों का राइटअप या पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में अधिकतम 10 स्लाइड नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी 23 जून 2020 तक अपनी प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत अंकुश ठाकुर की शहादत का बदला लेने के लिए उसका छोटा भाई आदित्य सेना में भर्ती होकर पुश्तैनी परंपरा को जारी रखेगा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच मंगलवार को पूर्वी लद्दाख वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के कड़ोहता गाँव के शहीद 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर का पार्थिव शरीर 3 दिन बीतने के बाद भी नहीं पहुँच पाया है। शहीद के परिवारजनों, रिश्तेदारों, ग्रामीणों व आसपास के लोगों में गुस्सा पनपने लगा है। हर कोई शहीद के पार्थिव शरीर की शव यात्रा में शामिल होने के लिए परिवारजनों को सूचित कर रहे हैं। सभी लोग बेसब्री से शहीद अंकुश के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। शहीद के पिता पूर्व सैनिक अनिल कुमार व माता उषा रानी के मन में बेटे के पार्थिव शरीर को लाने में देरी होने पर मलाल है। शहीद का छोटा भाई आदित्य 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। भाई की शहादत पर दुखी और गुस्से में है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। आदित्य का कहना है, भाई अंकुश देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसकी मुझे खुशी है, लेकिन शहादत का बदला लेने के लिए सेना में भर्ती होऊंगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए जवान अंकुश ठाकुर के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से सांत्वना प्रकट की। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि चीन हमेशा से ही पीठ के पीछे से वार करता आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात का समर्थन करते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार का सहयोग करेगी। अब समय आ गया है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार शहीद के परिवार का दायित्व संभाले और पीड़ित परिवार की उचित सहायता करे। कुलदीप राठौर ने कहा, उन्हें बहुत अफसोस है कि एक युवा देश के लिए शहीद हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार को पत्र लिख सांत्वना दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने फंड से शहीद का स्मारक बनाया जाएगा। गर्मी के मौसम में वनों को आग से बचाने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए वनों में आग की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आग बुझाने के लिए धातु के फायर बीटर, फायर किट, ब्लोअर इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कैंपा संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। वन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में कैंपा फंड के अंतर्गत 158 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पौधारोपण, लैंटना हटाकर उस भूमि पर पौधे रोपित करवाने, वन नर्सरियां, जल एवं भूमि संरक्षण कार्य, जलाशयों की सफाई कर उनका नवीनीकरण करने सहित वर्षा जल संरक्षण आदि कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर के निर्देशों का पालन करते हुए पौधारोपण निगरानी के लिए विस्तृत डाटा तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में एक बच्ची सहित 2 घायल हुए हैं जो कि अस्पताल में उपचाराधीन हैं। हादसा किन्नौर के निगुलसरी में NH5 पर एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में लुढ़कने से हुआ। जानकारी के अनुसार किन्नौर जिले के निगुलसरी में NH5 पर एक बोलेरो कैंपर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें सवार सभी लोग सांगला से रामपुर की ओर जा रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ है।
बुलेरो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। इनमें एक 27 वर्ष की युवती और 7 साल की बच्ची है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मरने वालों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। राजधानी शिमला में ढली थाना के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा में सुपरिटेंडेंट ने स्कूल के कार्यालय में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी तक खुदकुशी करने का कारण सामने नहीं आया है। सुपरिटेंडेंट युदिराम शर्मा 48 पुत्र मुल्कराम शर्मा गांव चेवड़ी तहसील सुन्नी शिमला का रहने वाला है। उसने सुबह करीब 8 बजे अपने स्कूल कार्यालय में पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी रवि ठाकुर की अध्यक्षता में पुलिस मौके पर पहुंची। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में सभी से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एसपी शिमला ओमपति जम्बाल ने बताया कि हर पहलू की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिला मंडी के सरकाघाट के तहत आने वाले छोटा समाहल गांव में बुधवार को हुए भयंकर अग्निकांड में महिला के पिता सोहन सिंह और मामा मोहन लाल ने आग लगने की इस घटना को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और उसके दो मासूम बच्चों की मौत एक हादसा नहीं बल्कि उनकी सोची समझी चाल है। इस संबंध में पिता और मामा ने पुलिस को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी व उसके बच्चों को जिंदा जलाया गया है। डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मायके वालों का शिकायत पत्र मिला है, मामले की जांच की जा रही है। शिकायत पत्र में बताया गया कि जब आग लगी तो कविता ने अपने पति मनोज को फोन पर सूचित किया था। इसके बाद मनोज ने अपने ससुर को फोन किया था कि वे जल्दी आ जाएं, घर में आग लगी है। जब पिता मामा और अन्य मायके वाले घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें कुछ संदेह लगा। वहां पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि महिला और बच्चों की जान बच सकती थी, पर उनको बचाया नहीं गया। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।